तो जी सबको नमस्ते। आज मुझे बड़ा एक अच्छा मौका मिला है। मैं आया हूँ कराड़ केडी जादव साहब यानी खासाबाद जादव साहब जादव के घर। तो रंजीत जी उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने हमें मिले हो। और ये जादव साहब की मेडल है जो 1948 ओलंपिक में वो बस पदक से चूक गए थे, और ये 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने देश के लिए पहला पदक जीता था, जो इंडिविजुअली रेसलिंग में, इंडिविजुअली ऑल स्पोर्ट्स में ये पहले इंसान थे जिन्होंने देश के लिए पदक जीता 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में। और मुझे पूरी उम्मीद है ये जादव साहब की ये उनको अर्जुन अवार्ड मिला, थोड़ा लेट मिला पर मिला, 2000 में मिला। और ये पहले इंसान थे कि इन्होंने देश के लिए स्पोर्ट्स के लिए इतना बड़ा किया। इनसे बड़ा स्पोर्ट्स का लेजेंड कोई है नहीं, क्योंकि आज देखो आज मेडल जीत सकते हैं। इन्होंने मेडल उस टाइम पे जीता जिस टाइम पे कोई फैसिलिटी थी नहीं, जिस टाइम पे ना मैट का पता था, इवन ना रूल का पता था, ना किस चीज़ का पता था। तो इन्होंने फाइनेंशियली अभाव झेला, इन्होंने हर चीज़ का अभाव झेला, उसके बावजूद भी देश को इतना बढ़ावा दिलाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि केडी जादव साहब को की बार पद्म विभूषण अवार्ड जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। वो तो भारत रत्न के लिए डिजर्व करते हैं, मगर पद्म विभूषण तो मिनिमम उनका बनता है। नमस्ते, जय हिंद। वाह, ये सर के उस टाइम के सारे मेडल ट्रॉफी। हाँ, और ये दिल्ली में आपने जो अनुरोध दिया उनको, वो वाला ट्रॉफी आईटीसी दिल्ली में। वाओ, ये अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड राइट। बोलो चलो सर, बाजू बोलवा दूंगा आपके। ये रंजीत जी, जादव साहब पुलिस में थे तो उनके नाम का ही पुलिस स्टेशन बना दिया है। और ये जादव साहब की फोटो, ये फोन नंबर इसका। वाह, और ये पुलिस चौकी है।